हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोगिनी कैफ़े में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, जब भी आप अपने पपी या डॉग को छुएं तो अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें। आज हम ये वीडियो जो स्पेशल रिक्वेस्ट पर लेके आए हैं, तो आज हम बात करेंगे कि आपके जो पपी है उसके जो पैर टेढ़े क्यों हो जाते हैं, या पैरों का मुड़ना क्यों चालू हो जाता है, या उसके पैरों में गांठें पड़ना क्यों चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपने बात जरूरी ध्यान में होनी चाहिए कि ये जो समस्या आती है वो बड़ी ब्रीड के पपी में सबसे ज़्यादा आती है। कई बार तो क्या होता है कि ओनर उसको प्रॉपर डाइट दे रहा है, प्रॉपर बैलेंसिंग डाइट दे रहा है, तो भी क्या उसके पपी में गांठें और उसके पैरों का मुड़ना डॉग के उसके चालू रहता है। तो अपने इसके पीछे की कुछ रीज़न जानेंगे भी, इनमें भी इनके क्या क्या कारण रहते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण तो ये रहता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर आपके डॉग में कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो इस वजह से आपके डॉग के पैर मुड़ सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके डॉग की जो बोन कमज़ोर होना या उसके जो लेग का उसका लेग बेंडिंग होना या उनमें गांठें पड़ना, ये समस्या आ सकती है। क्योंकि अगर आप 1 मंथ का पपी लाते हो तो उसका ग्रोथ पीरियड है जो 8.5 महीने तक होता है, तो आपके पास 7.5 महीने रहते हैं। उस पीरियड के अंदर उस डॉग का जो लेग बेंडिंग या उसमें गांठें पड़ रही है, पैर टेढ़े हो रहे हैं, उसमें ध्यान रखने के लिए, और ये आपके पपी के लिए बहुत ही नाजुक स्थितियाँ होती है। तो सबसे पहले तो अपने इसके नुकसान जान लेते हैं। अगर ऐसी जो कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है तो क्या क्या आपके पपी को नुकसान हो सकता है, तो उसमें क्या है, एक तो आपके पपी का जो बोन ग्रोथ होगा बहुत ही दर्दनाक होगा आपके पपी के लिए, छोटे पिल्ले के लिए। और दूसरा क्या है कि आपके डॉग के पैरों में गांठें पड़ जाएगी, उसका जो बोन है वो मुड़ना चालू हो जाएंगे। और तीसरा जो उसका बोन फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा होगा, उसको थोड़ा सा भी नीचे गिरने पे उसको बोन फ्रैक्चर हो सकता है। कई बार क्या है कि ओनर उसको प्रॉपर डाइट देता है पपी को, फिर भी क्या है कि उसमें ये समस्याएँ आने लग जाती है। तो इसके पीछे छोटे छोटे कुछ कारण रहते हैं, जैसे कि क्या है कि ओनर अपने जो पपी को है प्रॉपर वॉक नहीं करवाता है, उसको एक ही जगह बांध के रखते हैं या एक जगह रखते हैं, प्रॉपर वॉक नहीं होने की वजह से भी ये समस्याएँ आती है। कई बार जो पपी है चिकने फर्श या फिसलनदार फर्श पर रखते हैं जो छोटे पपी को, इस वजह से भी जो आपके पपी में ये जो समस्याएं आ सकती है। तो आप अपने जो पपी है जो समय समय पर उसको वॉक करवाएं, और चिकने फर्श के लिए अगर आप अलग से उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मार्केट में क्या है, पपीज़ और डॉग के लिए आजकल शूज आते हैं जो चिकने फर्श पर उनको चलने में मददगार होते हैं। अगर कोई ब्रीडर है और उसके पास फीमेल है और वो 1 मंथ के आसपास प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको 1 महीने पहले ही आपको उसके ब्याने से 1 महीने पहले ही आपको कैल्शियम उसको चालू कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि उसके जो होने वाले जो पपीज़ हैं उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी और वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होंगे। तो इस वजह से क्या है कि उनमें जो लेग बेंडिंग की समस्या या उनके पैरों में गांठें पड़ने की समस्या ये भी नहीं होती है। क्योंकि जब अपने एक मदर को ये चीज़ें जब अपने देने लग जाते हैं कैल्शियम वगैरह उसको 1 मंथ पहले, तो उसके होने वाले पपी में ये समस्याएं बहुत कम देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट रहता है कि जो ओनर क्या करता है कि अपने डॉग को जल्दी उसको क्या है कि उसको हेल्दी बनाने के लिए उसको ओवर डाइट देते रहते हैं और उसका वेट मतलब ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको ओवर डाइट ना दें, उसका वेट ना बढ़ाएं जिससे उसके पैरों पे वज़न आए और उसके लेग बेंडिंग की ये जो समस्याएं आए। तीसरा क्या रहता है कि ओनर क्या करता है कि उसको प्रोटीन युक्त डाइट देता है। आजकल जो प्रचलन में चल रहा है जो पपी को है उसको क्या है सोयाबीन की बड़ियाँ देते हैं, उसको चिकन देते हैं, जिनमें क्या है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। और बॉडी में जब आप प्रोटीन दे रहे हो तो वो क्या है कैल्शियम को बर्न करेगा, चाहे वो बॉडी में फ्री कैल्शियम है चाहे वो नॉन आयोनाइज्ड कैल्शियम है। तो जिस वजह से भी क्या है कि आपके जो पपी है उसमें जो उसको लेग बेंडिंग की समस्या आ सकती है, उसमें गांठें पड़ सकती है, क्योंकि आप उसको कैल्शियम डाइट तो दे रहे हो पर उसको क्या है कि कैल्शियम डाइट से ज़्यादा आप उसको क्या है कि प्रोटीन डाइट दे रहे हो। तो वो क्या है कि आपका जो कैल्शियम जो आप दे रहे हो वो कहीं ना कहीं उसका जो कैल्शियम उसकी बॉडी में पहुँचना चाहिए वो पहुँच ना करके वहाँ उस प्रोटीन को पचाने में वहाँ बर्न हो जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसका जो मुख्य कारण तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसका कैल्शियम का ही रहता है मुख्य जो मेन रीज़न रहता है, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस का जो अनुपात है वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से क्या है कि आपके डॉग में जो पपी में है ये समस्याएँ आनी चालू हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन चीज़ों को फॉलो करें, तो आपको जो पपी में है ये समस्याएं कम दिखने को मिलेगी। और जब भी आपको आपके पपी में ऐसी कोई समस्या दिखे तो आप पशु चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं, उनसे परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।